देखिए बच्चे, हमें क्या टॉपिक करेगा, रिलेशंस का, ठीक है। रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फंक्शन क्या है, आपने बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको वीडियो सेंड की थी फंक्शंस की, आपने उसे देखा होगा बच्चे, ध्यान से देखना उसे दोबारा से। आपको फंक्शंस क्लियर है, क्या है फंक्शंस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं अपने फंक्शन का, देखें दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं बच्चे फंक्शंस के लिए। आपने डोमेन रेंज का टॉपिक भी कर लिया होगा बच्चे सबने, ठीक है। डोमेन रेंज फंक्शंस बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। आगे देखिए फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस के लिए बच्चे ये बीच में एफ है, ठीक है। कोई भी हम फंक्शन अप्लाई करें इनके बीच में, ए और बी कोई दो सेट है। बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लेना बच्चे, आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। ए और बी दो सेट है बच्चे, ये फंक्शन कब नहीं होगा, किस कंडीशन में आपका ए से बी सेट के ऊपर कोई एफ डिफाइंड है, ये कब डिफाइंड नहीं होगा, हमें ये चीज देखनी है, ठीक है बच्चे। बाकी हर केस में डिफाइंड रहता है, ओनली टू केसेस ऐसे होते हैं जब भी आपका एफ डिफाइन नहीं रहता, कोई भी आपका रिलेशन फंक्शन नहीं बनता, ठीक है ना बच्चे। कोई भी आर आपका फंक्शन कब नहीं बनता, ओनली टू केसेस में नहीं बनता है आपका। तो क्या है बच्चे, देखना ध्यान से, यहाँ हमारे कोई भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है बच्चे। यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, समझ आए बच्चे, मान लो 5। अब ए की इमेज बच्चे 1, बी की इमेज मान लो 2, सी की इमेज 3, ठीक है बच्चे। यहाँ सी की इमेज 4, डी की इमेज 5। एक एलिमेंट से दो एरर, तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो गई। ये बच्चे क्या, कौन सा सेट है आपका डोमेन का, ये रेंज का, इसकी इमेज इसके अंदर जा रही है। तो यहाँ सी की कितनी इमेज बनी बच्चे, दो इमेज बनी, क्योंकि सी की वैल्यू 3 भी दे रहे और सी की 4 भी वैल्यू। कभी भी इस सेट के अंदर बच्चे एक एलिमेंट से दो एरो निकलें, कभी भी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट से दो एरो आ जाए, इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है बच्चे। यहाँ सी एलिमेंट की आपको दो इमेजेस दिख रही है, तो क्या कहेंगे, इज नॉट ए फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता। एक तो कंडीशन यही है आपकी फंक्शन ना हो, ध्यान से सुने ना बच्चे बिल्कुल, एक तो कंडीशन यही आपके फंक्शन ना होंगे। सेकंड केस देखें, ए और ये बी, यहाँ एलिमेंट है जैसे ए बी सी, ठीक है बच्चे, और यहाँ एलिमेंट है हमें मान लो 1 2 3, ठीक है बच्चे, या ए बी सी, यहाँ 1 2 3 ले लें और यहाँ डी, ठीक है, ऐसे ले लो। अब बच्चे ए की इमेज 1, बी की 2, सी की 3, डी मान लो खाली रह जाता है, डी बिल्कुल खाली रह गया, इज नॉट ए फंक्शन। तो सिर्फ बच्चे दो कंडीशन याद रखना, एक तो यहाँ एक एलिमेंट से दो एरो ना है, यहाँ कभी कोई एलिमेंट खाली ना है, ठीक है बच्चे, क्लियर है क्या समझा रही हूँ बच्चे। यहाँ इस सेट के अंदर डोमेन सेट में बच्चे कभी भी एक एलिमेंट से दो एरो नहीं आने चाहिए, ठीक है, और इसी डोमेन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी है तो आप कहेंगे कि हमारा एफ जो है वो एक फंक्शन नहीं बना रहा। तो यहाँ भी बच्चे इसी सेट के अंदर एफ है, तो एफ इज नॉट ए फंक्शन, तो इज नॉट ए फंक्शन, तो ये आपका एक फंक्शन नहीं बनाएगा। इसकी बेसिक वीडियो देखना बच्चे जरूर ध्यान से, जिसने देख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं देख ली देखना इसे, और जिसने देख लिया दोबारा से देखना, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, उसने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है बच्चे। तो f is not a function, तो इन दो conditions पर ही कभी भी हमारा functions नहीं होता, ठीक है। अब आप कहते हैं अगर ये d element में खाली ना रहता, मैं इस d को 3 से मिला दूँ, is a function? Yes, अब ये function हो गया बच्चे, ठीक है। आप कहेंगे दो arrow आ गए, इस side आए बच्चे, इस side नहीं आए, clear है, ये function तो है, function की तारीफ हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, is a function। फंक्शन तो सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस पे नहीं होगा, कब नहीं होगा, या एलिमेंट खाली रह गए और या इस साइड एक एलिमेंट से दो एलिमेंट, सिर्फ इन दो कंडीशंस को अपने माइंड में फिट करें बच्चे, ये फंक्शन ना होने की कंडीशन, ठीक है। एक एलिमेंट से दो एरो नहीं आने चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंक्शंस की वीडियोस में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, वहां पर हमने चेक किया था कि फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं, क्लियर है, ठीक है, देखें इसे ध्यान से। अब बच्चे आगे
अब आपके आगे टाइप आ रही है। अब जैसे पहले आपको अभी ये एग्जांपल क्लियर करती हूँ, ये ए बी सी डी है, मान लो यहाँ पर बच्चे 1 2 3 है, ठीक है। कोई कहता है इज इट फंक्शन और नॉट, यस इज इट फंक्शन बच्चे, क्योंकि इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका एक फंक्शन है। क्लियर है, समझ आया बच्चे? अब यहाँ को ई एलिमेंट ले लो, इसको इसी में घुसा दो, अभी भी एक फंक्शन है आपका। क्लियर है, अभी भी क्या ये फंक्शन है। अब मैं ये कहती हूँ क्या अब ये फंक्शन है आपका? नहीं, अब फंक्शन नहीं है। क्यों बच्चे? यहाँ एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पर चला गया, डिफरेंट एलिमेंट सेम जगह पर चले जाए कोई बात नहीं, एक एलिमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है तो इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है बच्चे, समझ आ रहा है? ठीक है, तो एक एलिमेंट दो में जा रहा है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, हमने कोई एक फंक्शन लिया, हमने लिया -1 की पावर n, ठीक है, एफ ऑफ एन हमने फंक्शन लिया -1 की पावर n। क्लियर है बच्चे? आप n को 1 रखें, आंसर इज -1, आप n को 2 रखें, आंसर इज 1, आप n को 3 रखें, आंसर इज -1, आप n को 4 रखें, आंसर इज 1, ठीक है बच्चे। आपको दिख रहा होगा बच्चे एफ ओ 1 और एफ ओ 3 दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, यहाँ तो 1 2 3 4 सभी नेचुरल नंबर्स रखे हैं, यहाँ भी सभी नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 नेचुरल ना ले, यहाँ पर हमने इंटीजर ले लिया, ठीक है बच्चे, इंटीजर से इंटीजर ले लिया, तो नेगेटिव में वैल्यू आई है -1 -2 -3 1 2 3 4 ऐसे ही है बच्चे। 1 किस में जा रहे हैं? -1 में, 2 1 में जा रहा था, सॉरी 3 -1 में, 4 1 में, तो अब आपको दिख रहा है बच्चे, ठीक है, ये जा रहा है आपका 1 -1 में, 3 1 में। क्लियर है, क्या बता रहे हैं, समझ आ रहा है बच्चे? तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, यही चीज है ना आपकी, 1 की इमेज -1, 2 की, ये तो नहीं किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, एक एलिमेंट से तो कोई दो एलिमेंट नहीं निकल रहे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बच्चे, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज, इज ए फंक्शन, यस, ये बच्चे आपका फंक्शन तो पक्का है, ठीक है, फंक्शन तो है आपका, ठीक है। अब हमें बस ये देखना है कि ये फंक्शन तो है, ये किस टाइप का फंक्शन है, वो हम फंक्शन के टाइप में करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है क्या बता रही हूँ? तो यहाँ पर आपका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की सेम आंसर आ रहा है, तो इज ए फंक्शन, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई भी दो कंडीशन में से नहीं है। क्लियर है, ठीक है, तो फंक्शन कब है कब नहीं है, समझ आया बच्चे? अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं हम क्या आते हैं, देखें इसे नोट करें बच्चे एक बार ध्यान से, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखें क्या है, देखना बच्चे टाइप्स, सबसे पहले हम फंक्शन की टाइप देखते हैं, ठीक है, वन वन फंक्शन का वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन के लिए क्या है देखना ध्यान से, ठीक है, ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, हर एलिमेंट अपनी डिफरेंट डिफरेंट इमेज रखते इसे वन वन फंक्शन, यानी कह सकते ईच एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन इमेज, ठीक है, ईच एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन इमेज, ठीक है, इज कॉल्ड वन। क्लियर है, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ ये ए बी सी डी है, यहाँ कोई भी एलिमेंट है 1 2 3, ए इसमें गया, बी इसमें, सी इसमें, डी इसमें, ना तो कोई एलिमेंट खाली रहा, ठीक है बच्चों, हर एलिमेंट की अपनी इमेज है, तो डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस इज कॉल्ड ए वन वन फंक्शन। क्लियर है बच्चे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस इज कॉल्ड ए वन वन फंक्शन। अब बच्चे हम ये कहते हैं, ठीक है, ये 1 2 3
ए गया वन में, बी गया टू में, सी गया थ्री में, डी गया थ्री में. इसे वन वन फंक्शन नो बच्चे, फंक्शन तो ये है पक्का क्योंकि कोई भी दो केसेस नहीं है. अब आपने देखा एफ ऑफ ए की वैल्यू वन है, एफ ऑफ बी की वैल्यू टू है, एफ ऑफ सी की वैल्यू थ्री है और एफ ऑफ डी की वैल्यू भी थ्री है. तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी. तो दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, सेम इमेज आ गई तो क्या कहेंगे, नॉट वन वन फंक्शन. ठीक है बच्चे, नॉट वन वन फंक्शन. और जो वन वन नहीं है तो उस फंक्शन को आप क्या कह सकते हैं बच्चे, ए मैनी वन फंक्शन, इज ए मैनी वन फंक्शन. जो फंक्शन आपका वन वन नहीं है वो कैसा फंक्शन है बच्चे, मैनी वन फंक्शन. क्लियर है, ये दो एलिमेंट की सेम इमेज इज कॉल्ड ए मैनी वन फंक्शन, इज नॉट ए वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन क्या कहते हैं, ईच एलिमेंट है इज डिफरेंट इमेज इज कॉल्ड ए वन वन फंक्शन. जहां दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाएगी तो वो आपका मैनी वन फंक्शन तो हो जाएगा, नॉट ए वन वन फंक्शन. क्लियर है, समझ आ रहा है वन वन फंक्शन क्या है. तो ईच एलिमेंट इज डिफरेंट इमेज, बस एक वर्ड को याद रखें, इज ए वन वन फंक्शन. और जहां भी दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए इज नॉट ए Thank you.